देखिए कल जो सोपोर में हादसा हुआ, जो मिलिटेंटों ने बुजदिलाना कार्रवाई करके अपनी प्रेजेंस को दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी उसकी भरपूर मजम्मत करती है। आज हमने इसलिए हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि आने वाली यात्री जो है, जो हर साल एक त्योहार है हमारे हिंदुस्तान के लोगों का, उसकी शुरुआत हो गई है, ये उसमें खलल डालने की साजिश है। पर मैं आपकी वसात से कहना चाहूंगा, उन ताकतों को, उन बुजदिल लोगों को जिन्होंने ये कल हमारे दो कॉर्पोरेटर और एक एसपीओ को जान बैग किया, शहीद किया, हमारे पुलिस के, हमारे कश्मीर पूरे कौम के इसे हौसले पास नहीं होंगे, हमारे हौसले बुलंद है। हम आपकी वसादत से पूरे देशवासियों को बताना चाहेंगे कि यात्रा के लिए आप सब लोग आए, जो भोलेनाथ, भोले बाबा अमरनाथ की जो पवित्र जगह है, उस दर्शन के लिए आप आ जाए। कश्मीर घाटी के लोग जितने भी हैं वो आपके साथ रहेंगे, आपके शाना बशाना चलेंगे। और जो हाल हमारे तीन लोग कल शहीद हुए, उनके लवाकिनों को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के लोग आपके साथ हैं। उनके परिवार में जो सदमा पहुंचा है वो हम सबको सदमा है। उनको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। बट मिलिटेंटों को एक बात कहना चाहूंगा कि आपका तेरह अब बहुत कम हो चुका है। आने वाले दिनों में हमारे यहां सेक्शन फोर्स जो है आपके साथ निपटेगी, और यहां हम पीस, अमन और खुशहाली चाहते हैं। आज हमारा देश होली मना रहा था, आज हमारे हिंदू भाई पूरे देश में होली मना रहे थे, और हमारे मुसलमान भाई शब बारात के अहम अजीम दिन को मना रहे थे, और आप कातिलों ने एक बुजदिलाना हरकत की। आप लोग गुनाहगार हैं, आप लोग सजावार हैं, आपको सजा मिलनी चाहिए। और हमारी फौज इतनी, हमारा पुलिस इतना सक्षम है कि आपको ढूंढ के निकाल के आपको सरंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि हम उन ताकतों को बताना चाहते हैं कि हम आपसे न डरेंगे, न रुकेंगे, हम अपने देश के लिए खड़े हैं। मेरे साथ मेरे सीनियर नेता हमारे लतीफ खान साहब हैं, मेरे एसटी मोर्चा के स्टेट जनरल सेक्रेटरी चौधरी रोशन जी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के वाइस प्रेसिडेंट दो, एक फारूक साहब और एक डॉक्टर अमीन जी हैं। तो हम सब लोग इस कातिलाना हमले की मजम्मत करें। यतीम एक छोटा सा लफ्ज, मगर इसकी गहराई, इसका दुख है जो महसूस किया जा सकता है। हम अपनी रफाकतें और मोहब्बतें बांट सकते हैं। साल 2019 को कश्मीर ग्राउंड ट्रस्ट का वजूद अमल में आया। ट्रस्ट का मकसद महज यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों और मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करना। इदारे ने अभी तक 15 से जायद रिहायशी मकानात गरीब आवाम के लिए वक्फ किए हैं। इसके अलावा बीमारों, नादारों, मुफलिसों की मदद के लिए पेश है। आप भी अगर इस नेक मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर के जरिए आप अपना हक अदा कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर का पहला मुनज्जम इदारा कश्मीर ग्राउंड ट्रस्ट। प्रिय बहनों, हर लड़की चाहती है कि वो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़े, लेकिन क्या पीरियड में आप आगे बढ़ने से कतराती हैं? क्या लीकेज या ऑर्डर की टेंशन आपको सताती है? गीलेपन से आपको उलझन होती है? एक साधारण सैनिटरी पैड आपकी इन दिक्कतों को दूर नहीं कर सकता। ले आइए मस्तूर सैनिटरी पैड्स।
इसके अल्ट्रा सॉफ्ट कुशंस इरिटेशन से बचाए, ऑर्डर लॉक जेल फॉर्मूला रोके किसी भी तरीके के ऑर्डर को और पूरे 100% तक सोके वेटनेस को, ताकि आप रहें एकदम बेफिक्र। तो अब आगे बढ़ने में कतराना कभी नहीं, मस्तूर, क्योंकि हमें परवाह है आपके हाइजीन की।